सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर कोई महिलाओं के समर्पण, त्याग और महिला शक्ति पर गर्व कर रहा है, लेकिन महिला शक्ति के समर्पण की एक ऐसी तस्वीर जोधपुर से दिखाते हैं जिसे सुनकर और देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। नवजीवन संस्थान की ओर से संचालित लवकुश बाल गृह में ऐसी माताएं हैं जो यहाँ छोड़े जाने वाले अनजान नवजात बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती हैं। यहाँ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनमें से किसी ने 23 साल से, किसी ने 15 साल से तो किसी ने 10 साल से अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित किया हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश और दुनिया में महिलाओं ने जो कुछ भी किया है उसको लेकर के हर कोई अलग अलग माध्यम से उजागर कर रहा है, मगर आज हम उन महिलाओं का उल्लेख कर रहे हैं जिनकी ये संतानें नहीं हैं मगर ममत्व और प्यार वही है। जी हाँ, जोधपुर में समाजसेवी भगवान सिंह परिहार ने 30 साल पहले लवकुश बालगृह नामक जो पौधा लगाया वो इस तरीके से बड़ा हो रहा है। समाजसेवी राजेंद्र सिंह और उनकी जो धर्मपत्नी हैं शोभा परिहार के निर्देशन में ये जो देखभाल करने वाली जो माएँ हैं उनको पता भी नहीं है कि ये किस जाति के हैं, किस बिरादरी के हैं, लेकिन प्यार ममत्व वही जैसा अपनी संतानों को देते हैं। कई ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने इन बच्चों को अपना दूध पिला करके बड़ा करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन महिलाओं का जो योगदान है इसको शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में एक ऐसी परंपरा है जो सूर्यनगरी जोधपुर में ही सामने आ सकती है। खुद शोभा जी परिवार से बात करते हैं। शोभा जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हर कोई महिला पर प्राउड कर रहा है, मगर आपकी और पूरी टीम है वो तो बहुत अलग काम कर रही है। जी, अलग काम तो ऐसे है कि देखो, सेवा का काम कभी अलग होता नहीं है। पहली बात, जिससे जितना सामर्थ्य जैसा भी बने वो सेवा करे वो अच्छी बात है। बहू जी ने हमें सब सेवा ही सिखाई है, तो हमने सेवा का ही धर्म कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को ये अलग तो नहीं है, अपने ही बच्चे हैं, इनको अपना ही से ही पाल रहे हैं, अपने से ही बड़ा कर रहे हैं, और अपने बच्चों से भी अच्छा भविष्य इनका चाहते हैं। अपने बच्चों का तो चाहते ही हैं, इनका भी भविष्य बहुत अच्छा चाहते हैं। इन बच्चों के मैं हमेशा देखभाल करती हूँ। इनको कुछ भी हो जाता, जैसे फीवर वगैरह भी आ जाता, तो ये बच्चे मुझे जाके जल्दी से बताते थे, और जब भी कभी लग भी जाती है तो जल्दी से मुझे आके बताएंगे कि मेरे यहाँ लग गई है, अपना खुद ही बता देते हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह से शाम तक इन बच्चों के बीच रहती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं देके इन बच्चों को, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे उल्टा यहाँ सब अच्छा लगता है, ये एक सेवा है, मैं इसको कभी भी अपनी जॉब भी नहीं समझती। हम 16-17 साल हो गए सर यहाँ नौकरी करते, बच्चों का खाना बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ। जैसे मेरे घर पर मन नहीं लगता, यहाँ इतना लगता है बच्चों को, बच्चे अच्छे लगते हैं, ये घर जैसे लगते हैं। अलग अलग जिलों से एक एक महिला की तस्वीर आपको सामने आई होगी, मगर हमें खूब सारी जो महिलाएं, अब देखिए इनके जो चेहरे दमक रहे हैं, साथ में इन बच्चों को लेकर के इनका जो अपनापन है, जो लगाव है, उसको शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। इसीलिए महिला शक्ति को हर कोई सलाम करता है, और करे भी क्यों नहीं। माँ का हृदय, माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का दुलार होता ही कुछ ऐसा है। स्वर्गीय सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।